हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी सुबह सुबह की राम राम। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये मेरे पास फर्टिलाइज़र है जिसका नाम रूस्टर बूस्टर ऑर्गेनिक प्लांट फूड है। ये फर्टिलाइज़र स्लोली प्लांट्स को फूड देता रहता है। मुझे तो यही बेस्ट लगता है और ईजी भी होता है डालने में। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने में मेहनत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यही अच्छा लगता है फर्टिलाइज़र। मुझे आज अपने सब प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देना है। थोड़ी देर पहले मैंने इन सब पॉट्स में फर्टिलाइज़र दे दिया था, फिर मुझे याद आया कि इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी। कभी कभी हम भूल जाते हैं, वीडियो नहीं बना पाते, इतने सारे काम होते हैं गार्डन में छोटे छोटे। यदि आपके साथ भी शेयर करा जाए वीडियो को तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें मालूम ही नहीं रहता हम क्या करें, गार्डन में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हम भी पहले कुछ नहीं मालूम था गार्डन के बारे में, लेकिन धीरे धीरे हम भी लर्न करना सीख गए कि किस तरह से गार्डनिंग की जाती है। स्टार्टिंग में कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, पर ठीक है, जब तक कोशिश करते रहें तो हमें सफलता भी मिलती है, हमें बराबर से हार्वेस्ट करने को भी मिलती हैं सब्जियां। कोशिश करते रहना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं ये दूसरी तरफ अपना फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ प्लांट्स में। काफ़ी बड़ा गार्डन है तो काफ़ी फर्टिलाइज़र लगता है इन सब पौधों में। अब मैं इसमें 5 या 6 मंथ तक फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी किसी भी पौधे में। यदि किसी प्लांट ने मुझे फ्रूट्स दिया है तो मैं उसको थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ, या तो मैं उसको काउडंग दूंगी या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो मैं उसको दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।